फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अप्सर में जो है अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है बिना मशीन पे जो है विजिट किए, ठीक है ना। खुद से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्सर पे आ जाना है और आने के बाद से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो देकर इसको थोड़ा सा आप इसको जो है ऊपर ड्रैग करके यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड दे दीजिएगा। वेरिफिकेशन कोड जो भी होगा आप यहाँ पे दे देंगे और उसके बाद से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करके, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन, उसके बाद से साइड वाला मेनू बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपडेट यूजर इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना, ये वाले पे, ठीक है। साइड में मेनू बार पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद से ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स शो कर देगी। फिर एडिट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो है मोबाइल चेंज नंबर पे जो है चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से एक मैसेज जाएगा आपके मोबाइल पे, ठीक है। वो वाला मैसेज में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करना है, ठीक है ना। उसको ओपन करके वहाँ पे आपको जो लिंक के अंदर में एक वीडियो मिलेगा उसको प्ले करके, 26 सेकेंड का होगा लगभग, जो भी होगा उसको पूरा फुल आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। उसको देखने के बाद से उसका नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा आपको मिलेगा। तो चलिए मैं दिखा दूं कैसा जो है आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो ऐसा जो है आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा जिसमें आपको यहाँ पे फॉलोइंग लिंक इस टाइप का मिलेगा ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद से इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर एक जो है दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अरबी में लिखा होगा, इसको आपको ड्रैग करके नीचे जाना है। ड्रैग करिएगा, ड्रैग करके नीचे जाइएगा, ठीक है। इसको पूरा आप नीचे जाइएगा, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये वाले ऑप्शन पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको जो है वो वाली ऑप्शन आ जाएगी जहाँ पर आपको वीडियो देखना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद से आप देखेंगे कि आपको जो है वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे ये वाला वीडियो 26 सेकेंड का, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके आप देखेंगे ना तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन जो नीचे दिख रहा था वो विजिबल हो जाएगा, अभी जो है वो विजिबल नहीं है। तो इसको प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले करने के बाद से आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, और लास्ट में ले जाकर छोड़ दें ताकि पूरा वीडियो प्ले हो, ठीक है। उसके बाद से 24 सेकेंड के बाद से आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर दिया, आप 26 सेकेंड जो है इसको देख ले पूरा। देखने के बाद से इस पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ कंटिन्यू कर लें। अब जो है देखिए विजिबल हो गया है तो हम कंटिन्यू कर ले रहे हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद से ये कह रहा है कि आप जो वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है ना, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। तो ये ऑप्शन करने से पहले आपको जो है लॉग आउट यहाँ से कर लेना था आपको, ठीक है ना। जब भी आप ऐसा कीजिएगा तो पहले वाले मोबाइल से आप अपना लॉग आउट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद से वीडियो देखिएगा। अब इसको हम दोबारा लॉग इन कर रहे हैं क्योंकि अब जो है ये विजिबल जो था हो गया है और हम वहाँ से डायरेक्ट जाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद से फिर से हम ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे जो मेनू बार का है, और इस पे क्लिक करने के बाद से फिर से वही ऑप्शन पे हम जाएंगे अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला पे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एडिट पे, फिर मोबाइल नंबर चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन जो है नेक्स्ट का आ गया, अब नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, जो कि वेरिफिकेशन कोड आपके पुराने वाले नंबर पे ही गया होगा, वो नंबर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद से आपको वो नंबर यहाँ पे देने के बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो भी प्रोसीजर है फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है ना। सारे जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद से इसको फॉलो कीजिएगा, तब भी आपका जो है ये प्रोसेस पूरा हो पाएगा, अदरवाइज कोई भी मिस्टेक करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर मांग रहा है। अब न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। जो भी मोबाइल नंबर आपको देना है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उस पर भी जो है मैसेज जाएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ यही मोबाइल नंबर है आपका। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो नया मोबाइल नंबर आप जो भी चेंज करना चाह रहे हैं वो नंबर यहाँ पर आप +9 6 के बाद से जो नंबर आता है सिर्फ नंबर देना है, 0 कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर देना है, तो नंबर जो आपका होगा यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फिल करने के बाद से जैसे मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 5 से स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद से सारे नंबर यहाँ पे आपको जो होगा यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, जैसे ही फिल कर लेंगे उसके बाद से, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको वेरीफिकेशन कोड मिला होगा आपके नए वाले मोबाइल पर, वो वाला वेरीफिकेशन कोड यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। तो उसको भी जो है आपको ध्यान से देखना है कि आपका मोबाइल नंबर सही था कि नहीं, और उसके
बाद से जब वेरिफिकेशन कोड मिलेगा तो यहाँ पे आपको देके उसको कंफर्म कर लेना है। अब जो है यहाँ पे जैसे कंफर्म करेंगे आपका यहाँ पे दिखाया गया कि योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली विथ न्यू मोबाइल नंबर, और ये आपको जो है मैसेज मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो अच्छा लगे तो लाइक करें।